अस्सलामुअलैकुम गाइस। सो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं उसका। अब ऑफिशियली उसको स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। सो उसके नंबर 1 में हम जो पढ़ेंगे आज, जो हमारा टारगेट है होगा वो एंट्रिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग डाटा। ये तीन बातें हमें पढ़नी है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? एंट्रिंग डाटा, फॉर्मेटिंग किस तरह करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, व्यू पे कैसे, कॉपी, मूविंग एंड फॉर्मेटिंग, सारे मोटे मोटे नाम ले लिए। आगे स्टेप बाय स्टेप को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं कि आखिर इनमें चीज़ें क्या क्या हैं। नंबर वन में कह रहे हैं एंट्रिंग डेटा कि मैनुअली आप डाल सकते हो वर्कशीट से, इनमें बहुत सारे तरीके हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ टू इंटर टेक्स्ट और नंबर इन अ सेल। सिंपल, आप एक सेल कोई भी कह रहे हो तुम वो कर लो, सिलेक्ट कर लो, उसके बाद उसमें जो भी टेक्स्ट डालने डालो या कोई नंबर डालने डालो, टेक्स्ट या नंबर, उसके बाद इंटर या टैब। मगर देख एक चीज़ का होशियार है, फॉर एग्जाम्पल आपके आगे लिख रहा हूँ टाइप है, अब यहाँ लिखना हमें टाइप है, सेल नंबर 1A में, A1 में, अब यहाँ लिखते हैं टाइप, TYPE टाइप है। अब इंटर टाइप में जरा सा फर्क है, अगर नीचे तुम्हें प्रोसीड करना है तो इंटर दबा दो, नीचे चले जाओगे, और अगर टैब दबाओगे तो इस तरफ जाओगे, ठीक है। ये छोड़, और एक छोटी सी टिप दे देता हूँ, वापस ऊपर जाने क्या दबाएंगे, फिर शिफ्ट इंटर, और वापस पीछे जाना है तो शिफ्ट टैब, ठीक है। टैब इंटर से सीधे नीचे और शिफ्ट दबाओगे तो जो भी उसका फंक्शन है वो उसका रिवर्स होगा। जब वापस इस पर आते हैं, अब हमें क्या करना है, टाइम इंटर करना है, टू इंटर या डेट या टाइम इन अ सेल। सेल में क्या करना है, डेट या टाइम। अच्छा, पहला पता लीजिएगा जो है आप टाइम पूरे अपने हाथ से एक एक टाइम बताना चाह रहे हो, टाइम इस्तेमाल था, टाइम फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अलावा डेट डाल सकते हो, आप डेट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। टाइम इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे, अब यहाँ मैंने लिखा टाइम इजिकल टू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल की दुनिया में याद रखना ये इजिकल टू की साइन बहुत मैटर करती है, अक्सर लोग भूल जाते हैं, फिर पेपर में पैनिक भी होता है, तो ये लगाना लाजमी है। TI अब नीचे टाइम लिखा हुआ, चाहे तो पूरा लिख लो चाहे टैब दबा दो, टाइम आ गया। अब टाइम में देखो ब्रैकेट में ज़रा खरीफ से देखो ना, तो मैं देखिएगा आर मिनट सेकंड, ये चीज़ें तो मेरे आ रही हैं, मतलब पहले आर डाल दो, कोई सा भी एक से लेके 24 घंटे के दरमियान कोई सा भी आर लिख दो, फॉर एग्जाम्पल हम 13 लिख देते हैं, 13 कॉमा, अब मिनट पे प्रोसीड कर गया, मिनट जो भी डाल दो, 60 तक होते हैं 45 मिनट्स, देन सेकंड डालना चाह रहे हो कोई सा भी डाल दो 67, देन इंटर, टाइम लिखा हुआ आ गया 1:46 PM आ गया, जो 12 घंटे बाद क्लॉक चेंज हो गई। और या अगर आप टैब दबाते हो तो चीज़ आगे चली जाती है। दोबारा टाइम का एक चीज दिखा देता हूँ मैं, इजिकल टू टाइम TI, अब मैं दबाऊँ टैब, पूरा सिलेक्ट हो गया, अब मैं खाली टाइम डालना है, क्या नाम है, जो भी टाइम था मेरा 1:1:1 और टैब, गिन आ गया। एक गलती जो बच्चा अक्सर करता है, इजिकल टू दबाया, टाइम दोबारा डाल रहा हूँ मैं TI, अब नीचे टाइम आ गया ना वो इंटर मारेगा, ये मसला है करता है खराब। टैब में तो वो फिर भी आपको पूरा टाइम लिख के दे देगा, मगर टाइम में अगर आपको आपको इंटर इस्तेमाल करना है तो TI के बाद इस पर बच्चा आगे जो इंटर मारते हैं ना, ये एक्सेप्ट नहीं करता, वो पूरा आपको टाइम लिखना पड़ेगा, यानी शॉर्ट आप टैब दबा के अपने आप चीज़ को आगे प्रोसीड करो, ये चीज़ काम की थी। अब सिमिलरली डेट पर आ जाते हैं, ये हमने टाइम डाला, आप डेट डालते हैं, इज इक्वल टू डेट DA, नीचे डेट आ गया, मैंने टैब दबाया, पहले ईयर बोल रहा है, ईयर मांग रहा है, ईयर लिख लेते हैं 2016 चल रहे हैं कॉमा, और फिर मंथ मांग रहे हैं, मंथ 10वां डाल देते हैं, और आज डेट क्या है मेरे ख्याल से 22, और इंटर। अब मैंने कंप्लीट कर लिया प्रोसीजर, अब मैं इंटर दबा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अपने हाथ सेट करना है तो टैब पे हाथ सेट करो, या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो कि अब इंटर कब टैब दबाना है। ये आ गया टाइम डेट, मगर अगर अगर वो गलती दोबारा करूँ मैं, डेट डी अब आ गया, मैं इंटर दबाऊँ तो वो मानता नहीं है, ये मानता नहीं है, इज इक्वल टू डी, अब मैं टैप दबाऊंगा तो वो आ जाएगा, एक्सेप्ट कर लेता डेट को, फिर आगे अपना जो रिमेनिंग प्रोसीजर है वो बोलता है उसको आप कंटिन्यू करें, ठीक है। एक प्यारी बात जो तुमने नोट की हो और कर लेनी चाहिए थी, जब मैं डेट लिखता हूँ यहाँ पे आ जाओ वापस, इज इक्वल टू मैं दबाया इज इक्वल टू, अब जब मैं डेट लिख रहा हूँ डी है डेट, अब पहले ईयर मांग रहा है फिर मंथ फिर डे, मगर जिस तरह मुझे डाटा दे रहा है
डेटा दे रहा है वो, तो आप ऊपर वाले उस पर डेट के ऊपर वाले स्लैब में देख सकते हो, यहाँ पे ईयर मंथ और डे मांग रहा है, और उधर पहले डे फिर मंथ फिर ईयर दे रहा है, बस इस तरह सा फर्क है। छोटी छोटी बारीकी है इसको, तुम अगर स्टेप बाय स्टेप कूप अप करते चलते याद करते चले जाओगे आगे तुम्हारे लिए आसानी होती रहेगी। दो फंक्शन हमने पढ़ लिया, अब बाकी दो पढ़ लिए मीनिंग रह गया हमारे। अब भाई अच्छा मैं इसको मिटा दूं। हाँ भाईजान मसला मेरा ये हो रहा है कि अभी की डेट क्या मैं डालना चाह रहा हूँ, लिखनी भी ना पड़े मुझे, अभी की डेट डाल दो सिंपल, तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इज इक्वल टू दबाना है और सिंपल लिख दें टुडे, टी ओ टुडे आ गया। अगेन टैब दबाना है और सिर्फ इंटर, अब इधर एंटर दबाएं टैब दबाएं आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। आज की डेट लिखी हुई आ गई, दोनों सेम क्यों, मैंने क्यों वाली डेट मैंने डाली अपने हाथ से और ये अभी क्या आई है। मिसाल के तौर पर टाइम पे आ जाते हैं इजिकल टू, अब अभी का टाइम चाहिए मुझे, एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है ना वो चाहिए मुझे। एन ओ डब्ल्यू नाउ, नीचे नाउ आ गया, अब टैब दबा एंटर दबा दिया, अब नहीं मान रहा वो पूरा प्रोसीजर नहीं ले रहा इंटर, इसलिए इंटर को नहीं सेकेंड प्रायोरिटी दो, पहले कोशिश करो टैब से तुम्हारा काम हो जाए। अगर इंटर में प्रॉब्लम करो इजिकल टू, अब नाउ लिखो एन ओ डब्ल्यू टैब दबाया और इंटर, तो आज की डेट और प्लस टाइम आपके पास मौजूद खड़ा है, मौजूद मौजूद हो चुका है। हमने चार चार बातें हमने सीख ली, अब जो हम नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं चल, अब नाउ टुडे भी हमने नाउ टुडे भी समझ गए। अब चार तुम्हारे चार पांच पेज खुले हुए वर्कशीट, वर्कशीट तुम्हें पता है कैसे बोलते हैं, अब तुम चारों जगह तुम जो लिखे रहे हो तीन चार जगह और भी तुम्हारे साथ साथ क्या नाम है काम होता रहे तुम्हारे वहाँ पे साथ साथ, उसको किस तरह करना है, उसको बहुत करने का आसान तरीका है ये तो मैं देखी नहीं थी शीट नंबर 412, और फॉर एग्जाम्पल 412 वही है। अच्छा अब इसको सिंपल, अब मैं जानू जो मैं जो भी शीट फोर पे लिखूँ मैं वो शीट नंबर वन और शीट नंबर टू पे लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है जो भी फोर पे लिखूँ वन टू पे लिखा हुआ आना चाहिए। इसका तरीका ये, शिफ्ट फोर दबाया मैंने, शीट फोर पे जो मैं हूँ एक्टिव शीट है, अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल का बटन, अब मैं क्या दबाऊंगा कंट्रोल, कंट्रोल दबाए रखूंगा और हटाना नहीं है, और फिर उसके साथ दबाऊंगा वन एंड टू, दो मर्जी है वन दबाओ जितनी शीट तुम चाह रहे हो काम। अब ये हो गया मेरा काम यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे करूँगा डेटा सेलेक्ट, यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मैं कुछ, अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ मैं इजिकल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ इजिकल टू नाउ एन ओ डब्ल्यू नाउ एंड दो बार टैप, अब यहाँ पे लिखा हुआ गया ना अभी की डेट और अभी का टाइम, ये एग्जैक्ट टाइम और ये लिखा हुआ गया। अब यही का चीज़ वन टू पे लिखी हुई आई है वन, अब मैं वन खोल रहा हूँ, वन पे आगे लिखी हुई, टू खोल रहा हूँ टू पे भी लिख, सर फर्क पता नहीं चल रहा देखने में, हाँ देखने में पता नहीं चल रहा, मगर चूंकि चीज़ एज इट इज सेम है ना इसलिए पता नहीं चल रहा। अच्छा एक और तरीका, इसको आसान तरीका कर देता हूँ तुम लोगों के लिए मैं थोड़ा सा। अच्छा मैं नंबरिंग कर दी है मैंने तीनों शीट पर, अगर अलग अलग थोड़ा सा दिखे। अब फोर को मैंने सिलेक्ट, फोर फोर मेरी शीट फोर एक्टिव सी शीट है, वन और टू मैंने सिलेक्ट कर ली, अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टुडे, आज की तारीख बताओ क्या है, टी ओ दो बार टैप डेट आ गई, अभी शीट फोर पे टैप है, शीट टू पे ये नंबर टू पे ये आ रहा है और नंबर थ्री पे ये आ रहा है, मतलब तीनों पे एक वक्त में काम हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल डी कंट्रोल आर शॉर्टकट, इसका क्या काम है, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर होता तो ये डाटा हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ी सी सुस्ती होती है यार बार बार कौन लिखे तो उसको कॉपी करना होता है, तो दो फंक्शन हमें एक्सेल प्रोवाइड कराते हैं, दो सर्विसेज कंट्रोल डी डी फॉर डाउन डाउन की तरफ और कंट्रोल आर मतलब राइट की तरफ, दो चीज़ें हैं जो एक्सेल हमें बताते हैं कैसे होता है, उसको हम आप जाते हैं एक्सेल में। श्योर अभी एक्सेल में आ गए, अभी वॉट है, अब वॉट बराबर कौन लिखे तो छोटी चीज़ है कोई बड़ी भी चीज़ हो सकती है, मैं क्या करूँगा उसको मैं ड्रैग करूँगा। अच्छा ड्रैग कैसे बोलते हैं इसको, ये माउस से जो लोग करते हैं ना ये जो मूवमेंट है ये सारी ड्रैगिंग है। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ नीचे लाने को इतना जितना आप चाहो ले जाओ नीचे जाओ जितना दिल कर रहा है, ये हो गया पहली चीज़। उसके बाद आपको क्या दबाना है, कीबोर्ड खोल लेते हैं। अच्छा ये मैंने ड्रैगिंग किया है, अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल दबाए रखूंगा और उसके साथ डिफॉल्ट डाउन आ गया, ठीक है। अब अगेन मैंने इसको यहां पे ड्रैगिंग की इस तरफ, अगेन
अगेन मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबाए रखूंगा और उसके साथ प्लस आर फॉर राइट, दो चीज़ें, मतलब कंट्रोल डी कंट्रोल आर का सिंपल इतना सा काम है। और एक छोटा सा शॉर्टकट एक और, फॉर एग्जाम्पल वॉट है, मेरे पास माउस नहीं है, मेरा माउस ख़राब हो गया, शॉर्टकट बड़े काम का है, ये वॉट है, अब मैं दबाऊंगा शिफ्ट, शिफ्ट दबाए रखूंगा, अब जाना क्या मुझे नीचे, ठीक है, अब अगेन फिर इतना करना है, ड्रैगिंग विदाउट माउस, अगेन कंट्रोल डी फॉर डाउन, यहाँ रखना, लोग गलती करते हैं आर और डी को मिक्स कर देते हैं, ये नहीं करना, अब अगेन इधर लेके जाना है शिफ्ट, सब पूरा पंच पूरा पूरा होगा, हाँ पूरा पूरा होगा, मसला नहीं है इसका कोई कुछ जाना। अब राइट हैंड साइड पर कंट्रोल आए, अब अगर उसको नीचे लेके जा रहे हो अगेन शिफ्ट, अब तुम दबा रहे हो कंट्रोल आर, आर का मकसद ये है नहीं, तो नहीं होगा, मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल आर, नहीं होगा, क्यों, आर का काम नहीं, ये काम डी का है, कंट्रोल दबाऊंगा और डी, तो डी आर को ये मिक्स नहीं करना, दूसरे काम याद रखना, ये फंक्शन खाली अप्लाई होगा सीधे हाथ पे और नीचे, ऊपर और उल्टे हाथ पे ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी चाहिए। तो मैं कंट्रोल डी को, मैं कंट्रोल आर का हम शॉर्टकट समझ गए इसका काम क्या है। अच्छा शिफ्ट भी तो बता दिया मैंने, शिफ्ट का क्या क्या काम है। अब आ रहा है रैप टेक्स्ट, टेक्स्ट को रैप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, असल में कुछ चीज़ होती है बड़ी, एक्सेल के आप तो पता है, तुमने देखा एक्टिव सेल एक छोटा सा सेल है, और बहुत बड़ी जैसे इसने लिखा अभी एक बड़ी से बड़ा सा लिखा हुआ है जुमला, फॉर एग्जाम्पल अभी एक सेल में नहीं आएगा ये मुख्तलिफ, ये एक सेल में अगर लाने के लिए हमें रैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो छुप जाएगा, नहीं तो हाइड हो जाएगा। वो होता कहाँ पर है, आपको पहले जाना पड़ेगा होम टैब पे, नंबर वन, नंबर टू अलाइनमेंट, नंबर थ्री रैप टैग्स। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये इसको करते कैसे हैं ये मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ, ये बड़े बड़े जुमले आ रहे हैं, अब इस पर हम प्रोसीड करते हैं रैप करने में। अब आते हैं उस पर एक्सेल पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कुछ लिखा बड़ा सा जुमला, क्या लिख सकते हैं, आई लव माई कंट्री, ठीक है ना, सिंपल, आई लव माई कंट्री, या रिलीजन बोल दो, या पेरेंट्स बोल दो, या मतलब कुछ बोल दो, इन शॉर्ट कुछ बोल दो, ये हो गया बड़ा जुमला। अब तुम देख रहे हो ना ये एक पूरी आगे तक जा रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल ये है बी कॉलम में, अब मैं सी में कुछ लिखता हूँ, क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है भाई, अब वो जुमला था ना आई लव माई को, क्या देखो अजीब जुमला हो रहा है, अब इसको मैं करना चाहूंगा रैप, रैप कैसे होगा, इस पे गया होम पर, आया होम के बाद अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट के बाद ये रैप, आई लव माई कंट्री, क्या कह रहे हैं भाई, इसको भी रैप करूंगा, कैसे रैप, मतलब ये पूरा एक रॉ एक कॉलम के सेल को, बेसिक साइज का, ये सेल का साइज बड़ा छोटा कर दे जो भी कर दे ये, मगर कहीं और कब्जा नहीं करेगा ये, फिर कहीं और नहीं जाएगा, ये बात थी इसमें समझने की, बहुत आसान था इसको याद करने का तरीका, होम फिर अलाइनमेंट और फिर लेफ्ट, हाँ सिंपल है। अब आगे चलते हैं, अच्छा रैप टेक्स हमारा हो गया, अब चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट चेंज कैसे करते हैं, फॉन्ट चेंज मतलब जो आप लिख रहे हो उसको बोल्ड लिखना चाह रहे हो, लेटा हुआ अंडर लाइन चाह रहे हो, जो भी चाह रहे हो वो कैसे होगा वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो है, इसी को कर लेते हैं फॉन्ट चेंज, मैं इसको बोल्ड चाह रहा हूँ, बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया, मैं चाह रहा हूँ ऊपर से लचक हो इसमें, लेट गया, अंडरलाइन अंडरलाइन हो गया, मैं चाह रहा हूँ इसका क्या बोलते हैं कलर रेड कर दिया मैंने, कोई और सा कलर चाह रहा हूँ, जो भी कलर चाह रहा हूँ वो हो जाएगा इसमें। अच्छा और फिर इसका साइज हो का बड़ा करना चाह रहा हूँ, मतलब जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो मेरी होती रही होती रहेंगी, मैं इसको ऐसे बड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ, मतलब जो आप चाह रहे हो उसको बोलते हैं चेंज फॉन्ट, लिखा हुआ भी है फॉन्ट, ठीक है, ये भी आसान था संभाल लोगे, कलर करना चाह रहा था मैं, कलर हो गया, बहुत आसान था, यहाँ इसको भी कलर करना चाह, ये भी कलर हो गया, ये रैप नहीं हुआ, इसको रैप कर लो, रैप हो गया, ठीक है, अजीब हो गया मगर कॉन्सेप्ट समझ गया हो गया। अब आगे चलते हैं वापस एडॉप, अब मैं ये चाह रहा हूँ फॉन्ट भी सीख लिया हमने, अब हम चाह रहे हैं, अब मैं चाह रहा हूँ यार पूरा महीना लिखा हुआ है जनवरी से दिसंबर, कैसे लिखने का तरीकेकार क्या है इसका, इसका तरीकेकार होता है, फॉर एग्जाम्पल
पूरा लिखूंगा यार सुस्ती, असल में एक्सेल में है अक्सर अय्याशियां समझ लो, लग्जरी लाइफ है एक्सेल में। थोड़ा सा काम करो बाकी आधे से आधा काम आपको एक्सेल करके देगा। जनवरी फरवरी लिखना, मैं खाली जनवरी फरवरी लिखूंगा और आगे जितने एक्टिव सेल मुझे काम करना है उसको खाली मैं ड्रैग करूंगा। और गेम फिर ड्रैग कर, ड्रैग को मत भूलो, ड्रैग कैसे बोलते हैं ऐसे ही नंबरिंग क्या, 1 2 3 4 5 पे जाऊंगा मैं, 1 2 लिखूंगा आगे ड्रैग कर दूंगा तो पूरा नेचुरल नंबर आएगा। मैं 1 3 लिखूंगा और 1 2 1 2 अगेन नेचुरल, 2 4 इवन, मंडे ट्यूसडे पूरा ये सब आता रहेगा। इसको अलावा ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है यार। यहाँ लिखा मैंने 1 2, अब मैंने ये ड्रैग किया, मैं फॉर एग्जाम्पल नंबर लिखा 1 2, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा। मगर अब इस दफा ड्रैग का थोड़ा सा होशियार हो जाओ, पहले हम ड्रैग ऐसे कर लेते हैं, अभी भी ऐसे ही करना है। मगर तुम्हें कर्सर अगर देखो, कर्सर मेरा ब्रॉड वाइट क्रॉस बना हुआ है, मैं कोने पे आऊंगा, ये ब्लैक ब्लैक में चाहिए अपना कर्सर, ब्लैक क्रॉस, और फिर मैं ड्रैग करूंगा। 1 2 3 हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने खाली 1 को सिलेक्ट किया हुआ था। पहले मैं मोटे से, पहले मोटे वाले कर्सर, मोटे वाइट से जो उसको मैं हुक्म देना है वो मोटे से दूंगा, और फिर उससे मैं अपना क्या नाम है, ब्लैक क्रॉस से जहां तक लेके जाना है वहां तक लेके जाऊंगा, सिंपल। ठीक है, अब मैं जनवरी लिखा मैंने, जनवरी फरवरी, ठीक है, पहले मैं जनवरी फरवरी सिलेक्ट करूंगा। ये मैं सिलेक्ट किया दो से ब्रॉड ब्रॉड वाइट उससे क्रॉस से, अब ब्लैक पर आया, ब्लैक को मैंने खींचा, हो गया सिंपल। अब ऐसे ही अगेन मंडे ट्यूसडे, ठीक है, अगेन मैंने ब्रॉड से किया, कोने पे जाऊंगा, अब लिखा हुआ है देखो तुम, कोने पे लिखा हुआ है मेरे कर्सर के, वेडनेसडे थर्सडे छोटा छोटा लिखा हुआ है जहां तक मैं चाह रहा हूँ। फिर आगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा अगर मैं बहुत लंबा खींचूंगा, क्योंकि 7 दिन 7 से ऊपर जाऊंगा तो यकीन डेज रिपीट रिपीट होते हैं। तो जनवरी हो गया, ये हो गया, डेट हो गया, ऐसे ही ऑड इवन पे चले आओ तुम, 2 कॉमा 2 3 नहीं होगा 4, ठीक है, अगेन 2 4 मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने खींचा इवन नंबर, ऐसी सिमिलरली फॉर ऑड होगा। ठीक है, ये हमने समझ गया माशाल्लाह। इंटीग्रल सीरीज ऑफ डेटा सच एज डेज मंथ और प्रोग्रेसिव नंबर, ये हो गया कूप। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हमें पढ़ना है इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन अ सेल। अब लाइन ब्रेक कैसे तोड़ेंगे सेल में, सेल में लाइन डली हुई होती है उसको कैसे तोड़ना है, सिंपल सा है। सेल पे जाके एरो से डबल क्लिक करना है पहले, एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे तुम चाह रहे हो करना तोड़ना, वहां पे जाओ और फिर डबल क्लिक के बाद ऑल्टर एंटर कर दो। एक तरीके एक तीस एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं बाद बताता हूँ, इसी में अभी सपोर्टिंग फॉरन, ये आगे सेल हमारा ये अच्छा। अब इसमें लेवल तोड़नी है, क्या बोलते हैं लाइन, डबल क्लिक किया, अब मैं दबाऊंगा ऑल्टर एंटर, मैंने क्या दबाया ऑल्टर एंटर, लाइन टूट गई, लाइन टूट गई। अब तुम ये देखो ये बातें आ गई हैं कहाँ पे, ये सी कॉलम 3 लाइनों पे मुश्तमिल, 3 रोज पे मुश्तमिल है, 41 42 43, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये धोखा था होगा, सी कॉलम खाली 41 पर है मुश्तमिल। ठीक है, ये बात बताने की मैंने कोशिश की थी तुम्हें, एक चीज़ ये बतानी थी, और सेकंड जो एक और बात थी काम की कि डबल क्लिक नहीं कर रहे तुम, पहले से कुछ लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पहले से लिख रहे हो, पहले से लिख रहे हो, अब लाइन तोड़नी है नीचे वाली, तो सिंपल है कुछ नहीं करना, ऑल्टर एंटर टूट जाएगी, ठीक है ना, समझ गए, ऑल्टर एंटर, ये बात समझ गया, ये हो गया। अब हमने इंसर्ट लाइन ब्रेक पढ़ लिया, ये हमारा हो गया प्रोसीजर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट अ बुलेट सिंबल इन टू अ सेल। अब हम पढ़ रहे हैं ये इंसर्ट अ बुलेट, ये किस तरह, ये सिंपल है, कुछ भी मुश्किल, मुझे यहाँ बताना है बुलेट जो हमने बोला था, तो मैं सिंपल सा काम करूँगा, ऑल्टर दबाऊंगा 7 एक बार दबाऊंगा और ऑल्टर छोड़ दूंगा। यहाँ से ये चीज़ बच्चा गलती करता है, ऑल्टर दबाए रखते हैं 7, दो बार गलती से अगर दब गया और फिर ऑल्टर छोड़ा तो ये मसला हो जाएगा, इसलिए ये बहुत बारीकी चीज़ें याद से रखना कि ऑल्टर दबाए रखना है, 7 एक दफ़ा दबाना है बस, एक दफ़ा भी छोड़ दो,
ये हो जाएगा हमारा बुलेट। और बोले आपके पास क्या नाम है, कीबोर्ड नहीं है, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये गाइडलाइन दिए हैं सिंपल थी ये, बोले ये इसको आप फॉलो अप कर लें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मुझे डालना है, मुझे सेल इंसर्ट करना है या रॉ इंसर्ट करना है कॉलम, मतलब एक काम चल रहा है। कॉपी में तो पॉसिबल नहीं है ना, काम हो गया तो हो गया, मगर एक्सेल में ये भी पॉसिबल है। डाटा डाला है, बीच में कुछ इंसर्ट करनी है, आप सेल डाल सकते हो, रॉ और कॉलम, उसके तीन चार तरीकेकार हैं जो इसमें लिखे हैं इन्होंने। उसको गो थ्रू कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, याद पड़ रहा होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले ये नंबर डाले थे। अब इसके बीच में डालना है एक्सेल, अप्रैल और मार्च के बीच में एक काम करना है। सिंपल में जाऊंगा होम पे, होम, होम के बाद मैं क्या दबाऊंगा, सेल पे जाऊंगा और सेल के बाद इंसर्ट दबा लूंगा। सिंपल जो 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 भी जो भी जिस सेल पे मैं सिलेक्ट करूंगा ना, उसके ऊपर वाला सेल खाली होगा, याद रखना उसके ऊपर वाला सेल खाली होगा बस। सर नीचे वाला था, ऊपर वाला था, बाएं वाला नहीं, कुछ भी नहीं। सर ये क्या था, मैं यहाँ चाह रहा हूँ तो उसके नीचे चले जाओ तुम। फॉर एग्जाम्पल फाइव है, तुम अप्रैल के बराबर फाइव है, तुम फाइव और अप्रैल के बीच में तुम क्या चाह रहे हो, वक्फा चाह रहे हो, तो उसके तुम कॉलम ऐड कर लो। अच्छा अब कॉलम कैसे चलते हैं और रो कैसे चलता है, वही होम सेल इंसर्ट पे दबाया, अब मैं दबा रहा हूँ इंसर्ट कॉलम। तो अप्रैल से प्रीसीडिंग हुआ ना, पिछले फाइव और अप्रैल के बीच की जो कहानी है वहाँ पे कॉलम क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक, एक चीज़ ये है। सेकेंड मैं चाह रहा हूँ अप्रैल और मई के बीच में रॉ आ जाए, पूरी की पूरी रॉ आ जाए, तो अगेन मैं जाऊँगा इंसर्ट पे और इंसर्ट शीट रॉ दबा दूंगा, तो अप्रैल और उसके बीच में आएगी रॉ। ये बात समझने की थी, ये बातें समझ ली तुम लोगों ने। अच्छा अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जून, इसके ऊपर चाहिए मुझे सेल, बाकी मैं पूरी रॉ को मैंने नहीं छेड़ना, तो सिंपल मैं दबाऊंगा इंसर्ट, इनके ऊपर की जगह आ गई खाली, जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना सेल खाली आया है। ठीक है, मैंने क्योंकि चार बॉक्स सेलेक्ट, मैंने इतना सेलेक्ट, चार बॉक्स सेलेक्ट किए तो चार सेल की जगह खाली आ गई, सिंपल सा ये था। हमें इंसर्ट रॉ भी आगे करना और इंसर्ट ब्लैंक रॉ और रॉ डालनी भी आ गई, कॉलम डालना भी आ गया, सेल डालना भी आ गया। अच्छा आज के लेक्चर की जो इस लेक्चर की लास्ट टॉपिक जो हम गो थ्रू करने वाले हैं, डाल दिया डिलीट सेल, अब डाल दिया तो डिलीट करना है, या कोई फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं वो डिलीट करनी है, उसके तरीके का क्या है वो अब हमें गो थ्रू करना है। अब डिलीट कैसे करना है, बहुत आसान तरीका, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो भी डिलीट करना चाह रहे हो या तो वो सिलेक्ट कर लो, मैंने सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, और डिलीट होम पर आया, वही सेल पर आया, जो इंसर्ट है उसी के नीचे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट दबा दिया, चीज़ डिलीट हो गई है, ये पीछे वाली चीज़ आगे आ गई, या तो ये कर लो या फिर पूरी में जा रहा हूँ नंबर 33, ये 33 में जा रहा हूँ डिलीट हो जाए, पूरा डिलीट हो जाए, इस पर मैं जाऊँगा डिलीट हो गया। देखो नंबर 33 नहीं, 33 का डाटा डिलीट होगा, नंबरिंग तो रहेगी वही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्च अप्रैल के बीच में क्या होता है, मार्च अप्रैल के बीच में क्या होता है, सॉरी ये वेडनेसडे और फ्राइडे के दरमियान थर्सडे था, थर्सडे आ गया वापस। अच्छा कॉलम डिलीट करना है, ई पूरा ई डिलीट करना है, इंसर्ट पे गया, डिलीट पे गया, डिलीट सेल बोल रहा है सेल डिलीट होगा, रॉ बोल रहा है रॉ होगा, कॉलम बोल रहा है कॉलम होगा, जो तुम चाह रहे हो। आई डू होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा, वो काफ़ी बड़ा हो गया लेक्चर, टारगेट हमारा 15 मिनट्स का होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो हम छोटा सा गो थ्रू कर लेते हैं। हम यहाँ पे थे, हम इंटरिंग डेटा पे थे, तो हमने भी ये पढ़ लिया इंटरिंग डेटा, अभी हाल ही में इतना गो थ्रू किया है। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैनुअल वर्कशीट के साथ डालते हैं, टेक्स्ट के साथ डालते हैं, टेक्स्ट के बाद हमने पढ़ा डेट और टाइम, डेट टाइम के वाले से पढ़ लिया, डेट टाइम के साथ डलता है, नाउ देन नाउ पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया, उसके बाद हमने सेम डेटा और सेवल वर्कशीट के साथ डालना है, हमने ये गो थ्रू कर लिया। उसके बाद हमने कंट्रोल डी और कंट्रोल आर, हमने ये गो थ्रू कर लिया, आई डो भी तुमने पिक कर रहे हो गए। उसके बाद टाइप रेक्स कैसे करते हैं ये हमने गो थ्रू कर लिया। उसके बाद फिर चेंज द फॉन्ट भी हमने गो थ्रू कर लिया, और फिर इंटीरियर सीरीज जो हमने डाला था मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे मंडे या जनवरी फरवरी मार्च, हमने ये गो थ्रू कर लिया, और फिर एक लाइन ब्रेक कर लिया, और फिर बुलेट भी रहता है, बुलेट डालना भी हमें आ गया, और फिर इंटर सेल के साथ डालते हैं, रॉ कॉलम के साथ डालते हैं, ये भी हमारा अलहमदिल्ला हो गया। और जो लास्ट टॉपिक जो हमने गो थ्रू किया अभी वो डिलीट, डिलीट कैसे पढ़ते हैं, डिलीट भी हमने गो थ्रू कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा फॉर्मेटिंग डेटा पे, तो कोशिश होगी मेरी 15 मिनट एक्स्ट्रा, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो गया, जब तक के लिए इसको पक्का करो, रिवाइज करो टिल द नेक्स्ट लेक्चर। आई डू होप यू विल गोइंग टू बीट द पेपर इन दिस अटेम्प्ट। सी या, अस्सलाम वालेकुम।